22/9/2020 को आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 1 पर बोरगांव खुर्द में पोषण माह के अंतर्गत पोषण थाली, पोषण मटका, रंगोली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 30-35 महिलाओं ने भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने पोषण थाली और पोषक तत्वों के बारे में विस्तार से चर्चा की। गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं के लिए तिरंगा के माध्यम से पोषण थाली के बारे में विस्तार से बताया। सुरजना के पौष्टिक गुणों को और उनके उत्पाद के बारे में विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण पर्यवेक्षक श्रीमती रुखसाना खान ने भी पोषण थाली के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में कुसुम यादव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेमलता पटेल, भागवत मालवी, साइना खान और आंगनवाड़ी सहायिका भी उपस्थित थे। आज के ऊपर जो ये सितंबर महीना है अपना, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक पोषण माह मनाना है। तो यहाँ पे जितनी भी वाली बहने हैं सभी को मेरा नमस्कार। रुखसाना मैडम, यादव मैडम और जो भी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता है, सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम यहाँ पे पोषण माह क्यों मनाया जा रहा है, ये पूरे भारत में इसको मना रहे हैं। इस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह इसको घोषित किया गया सितंबर को। तो इसमें हमने आज पोषण थाली तैयार की है कि पोषण थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो आपके सामने पूरी ये थाली लगी हुई है कि दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद और साथ में अगर आप सूप वगैरह का जो रहता है, जैसे गर्भवती महिलाएँ हैं, धात्री महिलाएँ हैं, तो अपने पास में सुरजना बहुत होता है ना, और सबके घरों में सुरजना होना चाहिए। ये जो हम हाथ में लिए हैं, सब पहचानते हैं इसको, जो सुरजने की पत्ती है ये बहुत फायदेमंद है, ये लगभग 300 बीमारियों को ख़त्म करती है। तो जब ये इतना आसान है तो हम क्यों नहीं खाते। इसकी आप ताजी पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं, फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अपने को जैसे मौसम रहे तो इस पत्ती को सुखा कर, जैसे अपन मेथी सुखाते हैं उसकी तरीके से, मेथी की जैसे इसको सुखा लें, जैसे पेड़ से भी तोड़ के लाएं, इसको धो के अच्छे से और छांव में इसको रखना है, और जब सूख जाए इसका पाउडर आसानी से बन जाता है और लगता है तो उसको आप छान सकते हैं। तो इस पत्ती के बहुत अच्छे गुण हैं, ये किशोरी बालिकाओं के लिए भी बहुत अच्छा है, धात्री महिलाओं के लिए भी अच्छा है और गर्भवती महिलाओं के लिए, और जो कुपोषित बच्चे हैं उनके लिए भी। हमने इसी गाँव में बोरगांव खुर्द में कुपोषित बच्चों के ऊपर कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने इसके पत्ती का पाउडर और मूंग के साथ मिला के मूंग का लड्डू तैयार किया था, जिससे हम इस गांव में जो कुपोषित बच्चे थे, ज्यादा कुपोषित थे, वो नॉर्मल उसमें सामान्य उसमें आ गए थे धीरे धीरे। अगर अपन खबर भारतवर्ष के लिए बोरगांव खुर्द से विशाल पटेल की रिपोर्ट। प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।